वो सिर उठाती थी तो थम जाती थी सांसों की जुम्बिश, वो नजर घुमाती थी तो नीयत से हो जाती थी रंजिश। शबनम सा मिजाज है उसका, अलहर सा अंदाज है, जुर्म ही तो उसका रिवाज है, फरेब उसकी फितरत, अदावत उसका शौक और पहचान। सकीना, आइए आपको दिखाते हैं जुर्म की ऐसी ही दास्तां, जिसकी किरदार है एक हसीना। वो माया नगरी की मायावी दुनिया की एक ऐसी विषकन्या है जिसकी जिंदगी का एक ही फलसफा है और वो है फरेब। जी हाँ, फरेब। उसकी फरेब की फांस में न जाने कितने ही फंसे, जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन जब सामने आई एक शख्स के खामोश हो जाने की कहानी, तब इस हसीना के जिंदगी के जो फरेब हैं, उनके पन्नों को पलटा गया और सामने आई एक ऐसी दास्तां जिसके बाद वो हो गई हसीना से विषकन्या। खुली जुल्फें, कजरारी निगाहें, कान में बाली, माथे पर बिंदिया और कमसिन जवानी, बस इतने हथियार काफी हैं किसी का कत्ल करने के लिए। प्रकाश के हुस्न की फरेबी नक्काशी को वो वक्त रहते समझ पाता, नहीं समझा। जिंदगी के हसीन 7 साल गुजार दिए उसकी बाहों में, और जब उसके गर्म आगोश से आजादी मिली तो मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बावजूद इसके वो पीता रहा विषकन्या के फरीब का जहर, क्योंकि उसने तो मोहब्बत की थी। वो ना वाकिफ था इस बात से कि उसकी तो साजिश है बिखेर कर जुल्फें अदाओं से कत्ल करने की, लेकिन कमबख्त वो आशिक मासूम था, उसका दिल उसी में जीने की वजह ढूंढता रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं माया नगरी की उस कमबख्त इश्क की, जिसमें आशिक फना हो चुका है और मतलबी माशूका आशिक की मौत के बाद दे रही है जमाने के सवालों का फरेबी जवाब। शायद बताने की जरूरत नहीं कि हम किस हसीना की बात कर रहे हैं। जी हां, रिया चक्रवर्ती नाम है उसका। और खामोश हो चुका वो मासूम आशिक था सुशांत सिंह राजपूत। उस हसीना की फरेबी मोहब्बत के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे थे, लोगों के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि आशिक तो मासूम था, समझ नहीं पाया मोहब्बत के नाम पर खेले जा रहे इस खेल को, फरेब को, क्योंकि वो तो बस यही कहता रहा कि क्या सोचता मोहब्बत करने से पहले, क्योंकि सोचकर तो साजिश की जाती है, मोहब्बत तो नहीं। अब से करीब 7 साल पहले की बात है। भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। वजूद की तलाश में बिहार से बंबई पहुंचे सीरत से बेहद शांत सुशांत के दिल में तब हलचल हुई। हाय गाइस। जब निगाहें मिली एक शोक और हसीन से दिखने वाली रिया से। उड़ने में इस हैंडशेक को नाम देना वाला। लाइव कैमरा एक्शन के बीच एक हसीन का इजहार मोहब्बत और उस पर आशिक के इकरार की मुहर किसी फिल्मी कहानी की तरह था, जिसमें दो किरदार के मोहब्बत की स्क्रिप्ट थी। लेकिन हम कहते हैं काश
ये कहानी रियल लाइफ की होती। लव हर्ट्स। शुद्ध देसी रोमांस के सेट से निकलकर सुशांत रिया से देसी अंदाज में शुद्ध रोमांस करने लगे। एक माशूका की बेताबी और आशिक की बेकरारी को करार तब मिला जब मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। रिया सुशांत की बाहों में अपना मकसद तलाश रही थी और सुशांत रिया के साथ अपनी मंजिल। जमाने की नजरों से छिप छिपा कर दोनों मोहब्बत के आसमान में खामोशी से परवाज भरने लगे, लेकिन उनकी खामोश मोहब्बत ने शोर मचा दिया। मोहब्बत की चर्चा माया नगरी की मायावी दुनिया में आम हो चुकी थी, लेकिन इसकी परवाह ना तो माशूक को थी और ना ही माशूका को। और माशूका को तो होती भी कैसे, क्योंकि मतलब ही माशूका को तो मंजिल की परवाह थी, अंजाम की नहीं। रिया और सुशांत बिन फेरे हम तेरे के वायदे के बंधन में बंध चुके थे। जी हाँ, ठीक समझा आपने, दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लेकिन कहने वाले कहते हैं यहां सुशांत से ज्यादा बेताबी रिया के जहन में थी। और सच यही है कि रिया ने फरेबी मोहब्बत की इबारत लिखनी शुरू कर दी, लेकिन सुशांत ने उस फरेब को भी मोहब्बत ही समझा। अपनी काबिलियत के दम पर सुशांत शोहरत के साथ साथ दौलत हासिल करता गया और रिया अपने हुस्न के जादू से सुशांत की दौलत हासिल करती रही। वक्त बीतता गया और बीतते वक्त के साथ सुशांत ने माया नगरी की उस विषकन्या का जहर कुछ इस कदर अपने हलक में उतार लिया था कि उसे फरेब भी मोहब्बत लगने लगी। दर हकीकत सुशांत जिसे मोहब्बत समझ रहा था वो तो रिया के काले जादू का असर था। जी हाँ, जिसके गिरफ्त में आने के बाद सुशांत के लिए जीना भी मुश्किल था और मरना भी। ठीक सुना आपने, सुशांत की जिंदगी पर काले जादू का असर होने लगा था। और ये काले जादू का असर ही था कि जिस माया नगरी में जी तोड़ मेहनत करने के बाद करोड़ों का बंगला बनाया, करोड़ों का आशियाना खरीदा, उसी फरेबी हुस्न के चक्कर में आकर उस आशियाने को, उस बंगले को तबाह कर दिया, बेच डाला, जिसका जिक्र अब उसके अपने ही कर रखे हैं। चारों तरफ से लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच। हम लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, जिस कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा, जिस भी जांच एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा, हर तरह का प्रयास करेंगे और सुशांत को न्याय दिलाने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक मासूम आशिक हुस्न के काले जादू की गिरफ्त में आ चुका था और ये उस जादू का ही असर था कि अजीब सी बेताबी थी उस हुस्न के बिना। जी भी रहा था और बेचैन भी। उसकी बेचैन जिंदगी कैद में थी माशूका के। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, मानो रिया के हुक्म की तामील करना उसकी आदत हो गई। यहां तक कि रिया सुशांत की दौलत तक की हिस्सेदार नहीं, मालकिन बन गई। सुशांत के साये तक कोई पहुंचे ये रिया को गवारा नहीं था। उसके कहने पर घर में नौकर रखे जाते थे, रिया के कहने पर ही सुशांत के साथ बॉडीगार्ड चलते और रिया के कहने पर ही सुशांत किसी के पास जाने का फैसला करते। बैंक में ज्वाइंट अकाउंट से लेकर ड्राइंग रूम तक का फैसला सुशांत का खुद का फैसला नहीं रह गया था। बंदिशों की जिंदगी बेचैन रहने लगी। लेकिन उस हुस्न को अब कहां पर परवाह थी अपने आशिक की बेचैनी की। करोड़ों की दौलत हासिल कर वो हसीना अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी से जुदा होने लगी। We'll be right back.
लेकिन अब भी उस मासूम आशिक को एतबार था अपनी माशुका पर। जिंदगी से 7 सावन बीत चुका था उसके साथ, लेकिन 7वें सावन तक माशूका के सितम का सिलसिला कुछ इस कदर बढ़ चला था कि सब कुछ होते हुए भी सुशांत का दम घोटने लगा, वो भी कुछ इस कदर कि उसने खुद का गला घोटना ही बेहतर समझा। मोहब्बत के बीच कई लम्हे ऐसे भी आए जब माशूक और माशूका के बीच जमकर तकरार हुई, और हर बार उस तकरार पर समझौते की मुहर लगाई मासूम आशिक ने, लेकिन हर बार उसे एक नई साजिश का सामना करना पड़ा। वो तो बस यही कहता रहा कि तोड़े हमने जितने भी रंजिशों के दरवाजे, लेकिन हर आहट के पीछे एक साजिश ही मिली मुझको। लेकिन सुशांत की जिंदगी में उस विषकन्या का जहर इस कदर हलक से उतर चुका था कि उससे निजात पाना मुश्किल था। पर यहां सवाल यह है कि माया नगरी की इस विषकन्या के जहर के पीछे वो अकेली थी या फिर कुछ और किरदार थे जिसने जिंदा दिल सुशांत को अशांत कर दिया था। क्यों वो कहने लगा था तुम सा बेदाग दाग जमाने में सिर्फ मैंने देखा है। जाहिर है सुशांत की मौत के बाद तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन सवालों के सफे से जो सवाल निकले हैं उसकी रोशनी में विषकन्या के बहाने माया नगरी की मायावी दुनिया का सच एक बार फिर सामने आने लगा है। लेकिन उस सच के पीछे का जो स्याह सच है उसकी तलाश अब पुलिस को है, लेकिन अभी भी सुशांत को अशांत कर शांत होने पर मजबूर कर देने वाली रिया का जादू चल रहा है। रिया कानून के सामने तो नहीं आई, लेकिन वीडियो जारी कर कह दिया है कि कानून पर भरोसा है, अगर कानून के साथ खेलने वाले ऐसा ही करते हैं जैसा रिया ने किया है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. हीरो को ब्लैकमेल करने वाली हसीना, सुशांत के पैसों को हड़पने वाली हीरोइन, सुशांत को कंगाल करने वाली मिस्ट्री गर्ल, माया नगरी की विषकन्या का डेंजरस इश्क। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी, पर ये कहानी अधूरी, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। रूपहले पर्दे की इस राजा की मौत के साथ ही मोहब्बत की ये कहानी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, मगर इश्क का ये अधूरा अफसाना अब जिस नामालूम अंजाम की तरफ बढ़ रहा है उसमें शक की सुई बार बार उस विषकन्या की तरफ ही घूम रही है जो कभी सुशांत के रियल लाइफ की नायिका थी। सुशांत को जानने वाले और चाहने वाले कहते हैं कि सुशांत की असली जिंदगी की इस हीरोइन ने उसे आहिस्ता आहिस्ता इस कदर तोड़कर मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया कि उसके पास वहां से लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सुशांत की लव लाइफ की ये वो खलनायिका है जिस पर इस हीरो के उन पैसों को हड़पने का आरोप है जिसने उसने अपनी काबिलियत के दम पर कमाया था। इस खलनायिका पर सुशांत को कंगाल करने का इल्जाम है,
जिससे वो इस तरह टूट गया कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का ले लिया खौफनाक फैसला। उसने मांगा प्यार, उसने किया कंगाल। उसने मांगी वफा, उसने किया ब्लैकमेल। उसने मांगा साथ, उसने दी रुसवाई। उसने मांगी मोहब्बत, उसने तोहफे में दी मौत। सुशांत ने मांगा कुछ और, रिया ने दिया कुछ और। सुशांत ने चाहा कुछ और, रिया को चाहिए था कुछ और। सुशांत ने किया इश्क, रिया ने की रुसवाई। जी हां, कुल मिलाकर सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री के सारे सवाल रिया के रहस्यमय किरदार के आसपास ही घूम रहे हैं। रिया के रहस्य में कभी कभी बेपनाह मोहब्बत दिखाई देती है, तो कभी धोखा दिखाई देता है, तो कभी दिखाई देता है लालच। और दावे और दलील के बीच कोरे हुस्न के काले जादू के जवाब की तलाश हर किसी को है। तभी एक मासूम आशिक को मोहब्बत में मिली मौत का हो सकेगा मुकम्मल हिसाब, और तभी उतर पाएगा एक हुस्न के चेहरे से फरीब का नकाब। मालिका की फेहरिस्त में माया नगरी की रिया तो सिर्फ एक नाम है। न जाने ऐसे कितने ही खूबसूरत हुस्न हैं जो हर पल अपने शिकार की तलाश में फरेब का नया नया जाल बुनती रहती हैं और लिखती है खुद के ही हाथों गुनाह की एक नई इबारत। इसीलिए हम आपको कर रहे हैं खबरदार कि बचकर रहिएगा ऐसे फरेब से, ऐसे हुस्न से जिससे मरना भी मुश्किल नहीं और जीना भी हो जाएगा मुश्किल। हम आपको करते रहेंगे खबरदार उससे जो है एक फरेबी हसीना।